जी, तो हम लोग अभी अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में मूलतः हम चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो दिखता है कि प्रकृति में दो तरह की इकाइयां हैं, चैतन्य और जड़। तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास एक में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का और जड़ और चैतन्य के संबंध को देखने का अभ्यास हम अभ्यास दो में करेंगे। इसी क्रम में हमने स्टेप वन में अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान देना शुरू किया और उसमें भी ये पाया कि मूल मुद्दा भाव का है, क्योंकि तो भाव से विचार तय होते हैं, विचार से व्यवहार तय होता है। तो अपने भाव के सजग होने का प्रयास किया, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना रोके, बिना कोई उस पर आरोपित किए, जैसा है वैसा उसको देखने का प्रयास किया। स्टेप टू में हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो मेरे अंदर भाव है वो सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में ये देखना शुरू किया कि उसके साथ मेरी जो स्थिति है वो सुखद है कि नहीं। स्टेप फोर में फिर हमने इस बात को अपने आप में जांचा कि जो भी मेरा भाव है उसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। तो इसमें ये दिखता है कि मैं स्वयं ही निर्णय लेता हूँ और चूंकि मेरा सारा सुख दुख मेरी कल्पनाशीलता में है, मेरे भाव विचार में है, तो उससे ये तय हो जाता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। इससे ये भी एक निष्कर्ष निकला कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। और चूंकि मैं जिम्मेदार हूं तो अब मेरे अंदर कोई शिकायत का भाव होना बनता नहीं है। तो इतना काम उन्होंने स्टेप फोर में किया। अगर इस चीज को हम फैला कर देखें, बारीकी से देखें, तो ये एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होगा अगर हम इसको अपने आप में देख पाते हैं कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे अपने ऊपर काम करना है और किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव रखने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे तो एक धुरी बन जाएगी, लाइफ लॉन्ग हम अपने ऊपर ठीक से काम कर पाएंगे। और जैसे ही हमारे अंदर कोई शिकायत का भाव होगा, हम इस बात को देख पाएंगे कि देखो ये गलत हो रहा है ना। दूसरे में अयोग्यता हो या योग्यता हो, यदि मैं दुखी हो रहा हूं या हो रही हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, है ना। तो जब भी हमारे कोई परेशानी होगी, कोई शिकायत का भाव बनेगा, तो वहां पे हम इस चीज को सहज रूप से अपने अंदर तय कर पाएंगे। उसके बाद स्टेप फाइव में हमने देखा कि यदि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, तो मैं जो भाव का निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो कैसे तय होगा, यदि मान्यता आधार है तो मेरी स्थिति कभी सुखद होगी कभी दुखद होगी, सहज होगी असहज होगी, कभी आराम में रहूंगा कभी परेशान होऊंगा। बट यदि समझ होगी तो उसमें एक निश्चितता होगी, निरंतरता होगी, सुख की स्थिति बनेगी। इस बात को हम तय कर पाते हैं। और इसको भी हमने थोड़ा एक्सपेंड किया कि मान्यता या समझ, ये तो शब्द है जो हमने सुन लिए, किसको समझ कहें किसको मान्यता कहें, इसको भी तय करना जरूरी है। हम अगर अपने आप में दिन भर में ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि इस बात पे हम कई बार उलझ जाते हैं, किसको समझ कहें या मान्यता कहें, इस परिस्थिति में समझ क्या है मान्यता क्या है। इस पर भी हम कोई हड़बड़ी ना करें, जो भी हमारे अंदर भाव विचार चल रहा है ना, उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता, उसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करें। स्टेप सिक्स ए में हमने ये अपने आप से पूछा कि यदि मुझे समझना है तो मैं देखूं कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। तो अपने आप से हमने पूछा कि मुझे कौन सा भाव स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का। तो दिखता है कि संबंध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, तो दिखता है व्यवस्था का, सहअस्तित्व का या संघर्ष का, तो दिखता है सहअस्तित्व का। तो जब मेरी सह स्वीकृति इन भावों के लिए है, तो स्टेप सिक्स बी में ये निर्णय करना बनता है कि मुझे इन भावों को समझना है, इन भावों में बने रहना है ना? ये हम लोग कल तक डिस्कस किए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने
संबंध का भाव क्या है, अवस्था का भाव क्या है, सहअस्तित्व का भाव क्या है, इस पर चर्चा भी की थी। तो अपने को दिखता है कि संबंध को समझने का मतलब संबंध के भाव का चिंतन होना, व्यवस्था को समझने का मतलब व्यवस्था का बोध होना, सहअस्तित्व को समझने का मतलब सहअस्तित्व का अनुभव होना। तो अब इसके लिए काम करना है और दिखता है कि यही मेरा कार्यक्रम है। ठीक, बाकी सारा कार्यक्रम इसके अर्थ में है, यह भी नहीं, यही मेरा कार्यक्रम है। इस चीज पे हम पहुंच पाते हैं धीरे धीरे शनै शनै क्रमशः। इसको हम जितनी जल्दी अपने आप में तय कर लेते हैं उतने बाकी कार्यक्रम व्यवस्थित होते जाते हैं। इसको नहीं तय कर पाते तो हम उसमें ही कई बार संघर्षरत रहते हैं। तो हमें दिखाई दे कि यही मेरा कार्यक्रम है, बाकी सारे कार्यक्रमों को इसके अर्थ में ही डिफाइन करना है, इसके अर्थ में ही परिभाषित करना है। जी, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। जी अमोल जी, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी लोगों को। जी भैया, अब इसमें और एक मतलब प्रश्न है कि जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे सहजता में नहीं होता है, तो ये सब प्रश्न हम पूछते हैं। वैसे अगर हम सहजता में है, अभी कंफर्टेबल लग रहा है, तो भी हम क्यों है, ये जनरली नहीं होता। तो हम सहजता में है तो सहजता में रहते हैं, तो तब प्रश्न नहीं पूछते हैं कि हम सहजता में है, तो वो भी देखना चाहिए क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट वो सहजता में है, वो हमारी सहज स्थिति है, या मेरी मान्यता या संवेदना के अनुकूल कोई स्थिति बन गई है। तो संडे का दिन है ना, हम 10-11 बजे तक सो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमको लगता है कि सहजता की स्थिति है कि नहीं। जी, बट हो ये रहा है कि हाँ, हमारे अंदर जो हित की दृष्टि है ना, वो पूरा हो रहा है। ठीक, कोई अनुकूल संवेदना मिल रही है, रजाई में है, संवेदना मिल रही है अनुकूल, तो हम इसको सहज मान लेते हैं। बट बेसिकली देखें तो ये सहज स्थिति नहीं है, या संवेदना की अनुकूलता है। जी, हम घर में सबके ऊपर शासन कर रहे हैं और सब मेरी सुन रहे हैं। ठीक, हमको लगता है बड़ी सहजता है, घर अच्छा चल रहा है, बट हम उसका आधार देखें, आधार क्या है ना। ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन में दोनों की, इन जनरल दोनों की मान्यताएं मेल खा गई है। ठीक, तो लगता है रिलेशन अच्छा चल रहा है, सहजता चल रहा है, बट अल्टीमेटली मान्यताओं की ना अनुकूलता है। तो ऐसा हो जाता है, तो हम तो उसको भी क्वेश्चन करेंगे। जी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तब तो हम फिर भी ड्रिवन होते हैं कि अपने ऊपर काम करें, जो हम देखते हैं कि मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूं। बट जिसको हम सुख माने हुए हैं उस स्थिति में जब होते हैं तो जो मान्यता है उसको हम क्वेश्चन ही नहीं करते। जी वही, जी जी जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया, एक प्रश्न था चैट बॉक्स में, भाग्यशाली जी का था शायद। जी, ट्रस्ट और भरोसा। तो भरोसा का मतलब कि अगले व्यक्ति का जितना कॉम्पिटेंस है उसको हम आकलन करते हैं और उसके अनुसार हम स्वीकारते हैं कि इतना तो कर पाएगा, उसको हम भरोसा कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है 3 महीने का, तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे कि चल पाएगा, बट 3 साल का हो गया हम भरोसा करते हैं कि चल पाएगा। बट ये भरोसा नहीं करते हैं कि उसको हम खुली सड़क पर छोड़ देंगे तो उसको चोट नहीं लगेगी, घर में तो चल पाएगा, खुली सड़क पे नहीं चल पाएगा। परंतु 3 साल का बजाय 13 साल का हो गया,
तो हम इस बात का भरोसा कर लेते हैं कि हाँ वो खुली सड़क पे भी कुछ भेजेंगे लाने के लिए, गाड़ियों से बचते हुए ना सही दिशा पकड़ते हुए घर तक पहुंच जाएगा, चल पाएगा। और यदि 30 साल का हो गया तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो अपने परिवार को भी साथ लेके चल पाएगा, तो इसको भरोसा कहेंगे। ट्रस्ट का मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा इनर कॉन्शियस है, जो प्योर है, जो हमारी चाहना है, जो हमारी सहस्वीकृति है, वो हर क्षण देखे तो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्वी के अर्थ में है। ये ट्रस्ट है, ये चाहता तो हर आदमी यही है, निरंतर सुख पूर्वक जीना, दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था में जीना, सहस्तित्व पूर्वक जीना, ये ट्रस्ट है। तो चाहना पे जो आश्वस्ति है ये ट्रस्ट है, कितना जी पाएगा ये भरोसा का मुद्दा है। ठीक है भाग्यशाली जी, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। जी बढ़िया, तो इसको अपने आप में देखें है ना कि मेरे अंदर निर्णय हो पा रहा है कि नहीं, इसमें कितना समय लगेगा अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट हर क्षण हम इसी पे काम करेंगे, इसी दिशा में काम करेंगे। कितना समय लगेगा वो तो एक आस्वादन की वस्तु हो गई कि लगता है कि एक समय के बाद बाहर से कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो मुद्दा नहीं है। वैसे कहानी है कि नारद जी कहीं घूमने निकले कि देखे कि एक व्यक्ति जो है एक केले के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है, तो ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो जो भी कहानी है ना, तो उसने कहा भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, इसमें कितना समय लगेगा आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस केले के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना समय लगेगा। तो कहा इतना ज्यादा समय लगेगा, फिर तो हमसे नहीं हो पाएगा, उठ के चला गया। फिर अगले व्यक्ति और आगे बढ़े थे, एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, तो अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसमें भी है ना, उससे भी नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो भाई, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ इसलिए तपस्या कर रहा हूँ, बट ये तो बताइए कितना समय लगेगा। तो नारद जी ने कहा इस अमरूद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना समय लगेगा, इतना ज्यादा समय लगेगा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, उठ के चला गया। आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति मिला ना, तो भी तपस्या कर रहा था, तो वो नीम के पेड़ के नीचे कर रहा था, तो उसने भी पूछा, तो नाराजी ने कहा इस नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना समय लगेगा, तो कहा इसका तो ये मतलब निश्चित है कि दिख जाएंगे, ये आश्वस्ति तो आपने दे दी, फिर तो ठीक है फिर मैं लगा रहूंगा। तो ऐसा बताते हैं कि उसी समय दिख गए। तो खैर इसका अर्थ यह है कि हमें कितना समय लगेगा समझने में ये मुद्दा ही नहीं है, ये जो समझने की हमारी निष्ठा बन जाती है उसका हमको सुख मिलता है, और धीरे धीरे हमको बात समझ में आने, धीरे धीरे भी क्यों कहें, क्रमशः हमको बात समझ में आने लगती है, हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट होने लगती है कि नहीं, तो हमारी प्रायोरिटी बन जाए, यही मुद्दा है। संबंध को देखना, व्यवस्था को देखना, सहस्तित्व को देखना, और यही मेरा विकास है, चिंतन की क्रिया का जागृत होना, बोध की क्रिया का जागृत होना, अनुभव की क्रिया का जागृत होना, यही मेरा विकास है। और इस पूरी शरीर यात्रा में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो इसी अर्थ में है। ठीक है, हम लोग थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं, इस विधि से चलने में अपना एक उपकार भी है कि हम भटकते बहुत ज्यादा नहीं है, एक सीधी गति से या एक सीधी दिशा में हम गति कर रहे होते हैं, परंतु तो कठिनाई ये है कि कई बार हम बहुत ज्यादा ब्रेक लेते हैं, है ना, तो थोड़े आराम आराम से चलते हैं। तो करने का यह है कि परिवार में जीते हुए, व्यवसाय करते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए, समाज में भागीदारी करते हुए, प्रकृति के साथ निर्वाह करते हुए,
हमारे अंदर जो मूल भाव है वो निश्चित होता जाए। कई बार ये भी हुआ परंपरा में, लोगों को लगा कि अगर ये सब करते रहेंगे तो ध्यान अनावश्यक चीजों पर ज्यादा रहेगा, तो परिवार से समाज से हटकर अपने आप में इन चीजों को देखने का प्रयास किया। उसकी भी एक उपलब्धि हो सकती है कि कहिए दिख गया तो वापस समाज में लौटे और लोगों को दिखाने का प्रयास किया। परंतु यदि हम शिक्षा विधि से देखें कि अगर इस बात को शिक्षा में जाना है, मानवीय परंपरा में जाना है, घर घर में जाना है, तो घर परिवार में रहते हुए अपने शरीर की आवश्यकता को अपने खुद के श्रम से पूरा करते हुए, परिवार में न्याय सुनिश्चित करते हुए, समाज की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए इस काम को अगर हम करेंगे तो ठीक से जांच परख होगी, तो इसमें कम संभावना होगी कि हम विचार तक जाके रुक जाएंगे। क्योंकि आप अकेले में बैठेंगे तो सकता है आप विचार करें और मान लें कि सब समझ में आ गया, और जब जीते हैं तो उसकी जांच परख होती जाती है। और इनफैक्ट आप पाएंगे कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम व्यवस्था में और फैल के भागीदारी करें, है ना। परिवार की जिम्मेदारी लिए हुए परिवार समूह की जिम्मेदारी लें, है ना, परिवार समूह की जिम्मेदारी लिए हुए और उससे आगे बढ़कर और बड़े समूह की जिम्मेदारी लें, तो उसमें जो हमको चैलेंजेज आएंगे, जो इश्यूज हम फेस करेंगे, उससे हमारे अंदर और जांच परख बढ़ेगी किस परिस्थिति में सही क्या है गलत क्या है। सही विधि से, है ना, यदि हम अपनी भागीदारी को बढ़ाते हैं तो एक तो हमको अपनी योग्यता की सीमा दिखती है। अभी समाज में लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं पर गलत विधि से वहां पहुंचते हैं, गलत विधि से निर्वाह करते हैं, इससे विकास नहीं होता। परंतु यदि हम सही विधि से अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाते जाएं, भागीदारी को बढ़ाते जाएं, तो हमें नए नए अवसर मिलते हैं ज्ञान के लिए भी, प्रमाण के लिए भी, तो वो काम भी करने योग्य है। कुछ मैसेज है, अच्छा अच्छा भैया ने गीत लिखा है, ठीक है। तो हमें और बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकारना बनता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, क्योंकि जब तक वो जिम्मेदारी नहीं स्वीकारते हैं तब तक इन बातों की अनिवार्यता भी नहीं लगती, ठीक है ना। और भाई अनुकूलताओं से हम चलते रहते हैं, तो इसको तो हमें और जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। तो जैसे हम रिसोर्स पर्सन का काम करते हैं, यानी वर्कशॉप में हम कंटेंट रखते हैं, ये भी एक जिम्मेदारी स्वीकारना है। तो ये तो अपेक्षा है कि आप में से हर व्यक्ति रिसोर्स पर्सन बने, क्योंकि एक बार आप 50 लोगों के सामने खड़े होकर बात रखने लगे तो आप अपना भी मूल्यांकन बहुत सजगता से करते हैं, आपको जांचने जी कर देखने की आवश्यकता बनती है, और आपको दिखता है कि 50 लोग भी मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं, मुझे इसमें पूरा पढ़ना है, तो आपके अंदर एक प्रेरणा भी बनती है कि हाँ इसमें मुझे पूरा पढ़ना है। तो ये हम जो व्यवस्था कह रहे हैं, इस व्यवस्था के भाव को जांचने के लिए व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। वो लेंगे नहीं तो विचार विचार में ही रहेगा। संबंध की बात कह रहे हैं तो संबंध में फैल कर हर मानव के साथ संबंध को कैसे ठीक से जिया जाए, हर संबंध में न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी लेनी जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं। कई वर्ष तक हम उसकी बात ही करेंगे कि हाँ संबंध का भाव होना चाहिए, संबंध का भाव ठीक नहीं था, संबंध का भाव नहीं था इसलिए बिगड़ गया, संबंध बिगड़ गया, मेरा भाव बिगड़ गया, इससे कुछ निकलेगा नहीं। तो संबंध तो प्रेम के भाव तक हमको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, व्यवस्था तो समग्र व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था तक हमको अपने आप में जिम्मेदारी को स्वीकारने की जरूरत है। और उन सबको करेंगे, उसमें भागीदारी को करेंगे, तो अपनी योग्यता का आकलन करेंगे और आगे और योग्यता के लिए काम करेंगे, तो इस सहस्तित्व के भाव को भी देखने की अनिवार्यता बनेगी, है ना। नहीं तो आपके अंदर जो फल परिणाम का उथल पुथल होगा, उससे कई बार आप आशान्वित होंगे, कभी आप निराश होंगे, तो वहां पे भी कि अस्तित्व स्थिर है। और अल्टीमेटली यही कार्यक्रम है कि हम सबको अपने आप में
जागृत होना है, ज्ञान को सुनिश्चित करना है, ये प्रेरणा ये भाव बना रहेगा और ये अपने आप ही दिखेगा भी कि हाँ ये तो निश्चित है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ही। तो ये संबंध का भाव कैसे दिखे, चिंतन कैसे हो, इसलिए तो संबंध पूर्वक जीना होगा। और जितना फैल के जिएंगे उतने नए नए प्रश्न बनेंगे, ठीक, और उतने हमारे अंदर से भेद मिटेंगे। कभी कई बार हो सकता है कि हम संबंध में भेद लेकर चल रहे हैं, अपना पराया का भेद बना हुआ है, परिवार का है तो अपना है, परिवार का नहीं है तो बाहर का है, पराया है, ये मेरी जाति का, मेरे कुल का, मेरे वर्ण का है तो मेरा अपना है नहीं तो पराया है, मेरे देश का है तो अपना है नहीं तो पराया है, ठीक। तो संबंध कहाँ रहा फिर, अगर अपना पराया का भेदभाव बना हुआ है तो संबंध में जितना फैल के जिएंगे उतनी तीव्र इच्छा बनेगी संबंध के चिंतन की। जितनी व्यवस्था में हम जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, परिवार एक व्यवस्था है, परिवार समूह की जिम्मेदारी, तो हमें सोच सकते हैं कि भाई पूरे परिवार समूह में बात जाए, परिवार समूह से आगे बढ़ के पूरे परिवार समूह के समूह, इसका एक नाम ग्राम भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है, लोकैलिटी हो सकता है, कॉलोनी हो सकता है, उसमें ये बात जाए, वो जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, तब जाके व्यवस्था का भाव स्पष्ट होगा। तो या तो हमारी अपनी ही संस्कार इतना पुष्ट हो कि एक कमरे में बैठे बैठे हम व्यवस्था को देख ले, संभव है, ये भी संभव है, परंतु संभावना थोड़ी कम हो जाती है। परंतु यदि हम व्यवस्था में जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, भागीदारी करते हैं, तभी व्यवस्था का भाव पुष्ट होता है मेरे अंदर, मेरे अंदर नए प्रश्न तैयार होते हैं, ये बिल्कुल जो मानव है अगला समझने को तैयार ही नहीं, इसका क्या करना है। तो कई बार भाव यही उठेगा इसे तो मिटा ही दिया जाए, ये कभी समझेगा नहीं और एक समस्या बन गया है समाज के लिए। बट फिर आपके अंदर संबंध पे प्रश्न खड़ा होगा कि संबंध का भाव कहाँ रहा। तो जितना हम संबंध में फैल के जिएंगे, जितनी बड़ी व्यवस्था में हम जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, उतना हमारे अंदर भाव पुष्ट होंगे और उतना सहअस्तित्व के भाव में जीने की प्रेरणा बनेगी, सहअस्तित्व के अनुभव करने की प्रेरणा बनेगी। शिक्षा विधि में ऐसा होना है तो आप पाएंगे कि अपने आप में शिक्षा विधि एक बहुत ही सशक्त विधि है, क्योंकि इसमें हर बच्चे में ये योग्यता विकसित होगी कि पूरे समाज का नेतृत्व कर सके, पूरे समाज को सही दिशा में लेके चल सके। तो अपने आप में बहुत पोटेंशियल है इस पूरे कार्यक्रम में, है ना, और वो पोटेंशियल हम सब में है, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, नहीं तो ये अपना पराया का भेदभाव मिटेगा नहीं, ये बड़ी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने का जो भय है वो बना ही रहेगा, ठीक, और सहअस्तित्व हमेशा दूर की बात लगेगी। इसलिए ये जो स्टेप 6 पे बात हो रही है ना, इस पे तो ठीक से काम करेंगे तो समय लगाने की जरूरत तो है ही, जिम्मेदारी भी स्वीकारने की जरूरत है, तभी संबंध के भाव का चिंतन हो पाएगा, तभी व्यवस्था का बोध हो पाएगा, तभी सहअस्तित्व के अनुभव की प्रेरणा बनेगी, तभी हमारे अंदर जो आशा निराशा है, जो उथल पुथल है विचारों में, अंतर द्वंद है, अंतर विरोध है, उससे निकल पाएंगे, ये प्रेहित लाभ में जो हम फंसे रहते हैं उससे निकल पाएंगे, न्याय उससे ऊपर दिखाई देगा हमको, इस संबंध में न्याय सुनिश्चित करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाज में व्यवस्था और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर अपने को लग के ठीक से काम करने की जरूरत है। जी रिलायबिलिटी को मैं विश्वसनीयता नहीं कह रहा हूँ, रिलायबिलिटी को भरोसा कह रहा हूँ। तो जैसा एक्सप्लेन किया, भरोसा ट्रस्ट दो अलग चीजें। जी नवीन कुमार जी का हैंड रेस था, नवीन कुमार जी अगर आप प्रश्न करना चाहें तो रख सकते हैं। भैया इसका अगला स्लाइड लगा दीजिएगा। जी तो ये काम होना है, बट ये
काम ऐसा नहीं है जो मियरली हमारे सोच लेने से हो जाएगा। इसमें तो जीना और जांच कर देखना दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जितना फैल के जिएंगे, जितनी जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, उतना अपने आप में जांचेंगे भी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें से हर व्यक्ति स्वयं में अनुभव तक पहुंचने का निर्णय ले पाए, उस अर्थ में व्यवस्था के बोध का निर्णय ले पाए, उस अर्थ में संबंध के भाव को देख पाने का निर्णय ले पाए, उसके चिंतन का निर्णय ले पाए, उस अर्थ में कम से कम ये निर्णय ले पाए कि मुझे संबंधों में न्याय सुनिश्चित करना है। तो परिवार से शुरू करेंगे, बट परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे। जहां पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी देखेंगे न्याय सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। जो समाज में जी रहे हैं, वहां देखेंगे न्याय सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। तो हमारे अंदर ये भाव सुनिश्चित होगा, इस भाव को देखने की, चिंतन की प्रेरणा बनेगी। व्यक्ति जैसा भी आचरण कर रहा हो, इंटेंशन उसका प्योर है, ये बात दिखना है ना जरूरी है। और ये हो सकता है कमरे में बैठे बैठे ना हो पाए, इसके लिए तो हमें हर अनुकूलता प्रतिकूलता से गुजरते हुए अपने आप में जांचना होगा कि नहीं। तो एसेंशियली देखें तो ब्लॉक B1 को एक्टिवेट करने की बात है। ब्लॉक B1 को एक्टिवेट करने का मतलब यही हुआ कि मेरे में संबंध के भाव का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो, सरस्वती का अनुभव हो। इस क्रम में आप पाएंगे कि हो सकता है चिंतन बोध अनुभव में हम जागृत ना हो पाए, परंतु कम से कम उसके लिए इच्छा तो बनेगी। तो ये जो नीचे का डायग्राम है ना, इसमें भी गति करने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है ज्यादातर समय अभी हम आशा के स्तर पे जीते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं लगाए हुए हैं, उसके पूरा होने से खुश होते हैं, नहीं हो रहा दुखी होते हैं, उसी को लेकर विचार करते रहते हैं। तो उससे आगे चल के हमको भाव पे ध्यान देना है कि भाव विकसित हो, भाव के प्रति सजग हो। नहीं तो ये इस पूरे क्रम में आपको दिखाई देगा कि हम अपने आप में इच्छा को भी विकसित कर पाते हैं, इच्छा के स्तर पर हम विकास कर पाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। तो समय हो चला, असाइनमेंट के रूप में यही है, तो कल भी लिया था, इसको अपने आप पे जांचे परखें। श्यामला दीदी ने ऑलरेडी असाइनमेंट लिखा है ग्रुप में। आप में से जो भी लोग ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि तो उसमें हम लोग असाइनमेंट भी देते हैं और चर्चाएं भी करते हैं, कुछ कंटेंट भी रखते हैं, आपके लिए उपयोगी होगा जी। तो आज असाइनमेंट हम देखें कि ये प्रेरणा मेरे अंदर बन रही है कि नहीं, चिंतन की, बोध की, अनुभव की। बहुत ही बढ़िया, आज यहाँ चर्चा रोकते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।